नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2019 के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1964, 1965, 1966, 1967। तो राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1965 में की गई थी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राई जमीन पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता है? तो प्राई जमीन पर खेती करने वाले किसानों को असामी कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, यानी जयपुर में भी राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, टोंक में भी है और कोटा में भी है, तो इसका ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है टंगस्टन, मैग्नीज, बालू का मिट्टी, तांबा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट होगा, बालू का मिट्टी। बालू का मिट्टी है ये अधात्विक खनिज है, बाकी टंगस्टन, मैग्नीज और तांबा ये धात्विक खनिज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस खनिज को हरसोंट के नाम से भी जाना जाता है? हरसोंट, तो ऑप्शन आपके सामने चांदी, जिप्सम, संगमरमर, तांबड़ा, तो दोस्तों जिप्सम को हरसोंट के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य नाम है हरसोंट, जिसे राजस्थान में जिप्सम को हरसोंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध मोचिया मगरा क्षेत्र, मोचिया मगरा क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, तो दोस्तों मोचिया मगरा क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनना दोस्तों इस क्वेश्चन को, नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है गगर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, तो ये राइट है। गगर नदी का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश कालिका के पास से होता है। और जो बी ऑप्शन है, कांकणी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये भी सही है। कांकणी नदी का उद्गम होता है वो कोटरी गांव की पहाड़ियों से होता है। इसी नदी पर भुज झील का निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट ऑप्शन सी है, बाणगंगा नदी जयपुर जिले की विराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम भी जयपुर जिले की विराट की पहाड़ियों से होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, तो दोस्तों ये गलत है। चंबल नदी है वो राजस्थान की वर्षाकालीन नदी नहीं है, क्योंकि यह बारहमासी नदी है, मतलब एकमात्र राजस्थान की नदी जो पूरे वर्ष बहती है वो है चंबल, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, असत्य कथन कौन सा है डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ईडब्ल्यू प्रदेश, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? जोधपुर राज्य का शासन है वो कौन सी अवधि में खालसा रहा था, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर राज्य का शासनकाल खालसा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाध्याय नहीं है?
तत्व मतलब तार से बना हुआ वाद्य यंत्र। ऑप्शन आपके सामने रवाज, चौतारा, सतारा, जंतर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सतारा राइट है। यह एक तत्व सुषिर वाद्य है, सुषिर वाद्य जो कि फूंक मारकर बजाए जाते हैं। बाकी सभी रवाज, चौतारा और जंतर ये तार से बने हुए वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो YouTube चैनल GK हेल्प विद JRB को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मुख्य सचिव। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल मुख्य सचिव है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो बाई तालाब झील है वो है बांसवाड़ा में स्थित, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों सीताराम, बदन सिंह, नानक राम ये सभी चित्रकार है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो दोस्तों पाली जिले की सीमा है वो भीलवाड़ा के साथ है, नहीं लगती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है तो कालीबंगा स्थल है वो यहाँ पर है। तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के इस दिशा में स्थित है, यानी दक्षिण पश्चिम। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बारात लौट गई किसकी रचना है? तो बारात लौट गई ये रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है, चंद्र शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये गीत है बांकीदास द्वारा रचित, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का शासन का लगभग 50 वर्ष था? तो दोस्तों किस शासक का शासनकाल 50 वर्ष था? ऑप्शन आपके सामने राव जोधा, राव चुंडा, राव मालदेव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राव जोधा का जो शासनकाल है वो 50 वर्ष के लगभग रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर। तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है भरतपुर जिले में, केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव रतनरी वैली में किस रियासत या राज्य का वर्णन है? तो राव रतनरी वैली में बूंदी रियासत या राज्य का वर्णन है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1978 ईस्वी में की गई थी, 1978, ऑप्शन ए इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा अजमेर और अलवर, ऑप्शन ए इसका राइट है। अजमेर और अलवर का जो क्षेत्रफल है वो निकटतम समान है। अजमेर का क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, और अलवर का क्षेत्रफल है 8380 वर्ग किलोमीटर। तो ये निकटतम समान है, यानी इनमें अंतर है वो बहुत है कम है और लगभग समान है। तो इसका उत्तर रहेगा अजमेर और अलवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डावी और जीवनी, डावी
और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो दोस्तों डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी जैसलमेर में प्रचलित थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेण का संबंध है लालदासी संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से, मीरदासदासी संप्रदाय से। तो दोस्तों रेण का संबंध है रामस्नेही संप्रदाय से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। तो आप इसे याद रख सकते हैं, 50-50 कर देती है ये समवर्षा रेखा पर राजस्थान को। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी जो चित्र है वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, वी एन रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? ऑप्शन है मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास, भक्त सिंह। तो दोस्तों वी एन रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक है राव चंद्रसेन था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर विलास के रचयिता थे? ऑप्शन है दादूदयाल, रैदास, मीराबाई, सुंदरदास। तो दोस्तों सुंदर विलास की रचना है वो सुंदरदास ने की थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। नाम और बुक की रचना के आधार पर भी आप इसे पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन आपके सामने है, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल, ये आपको ध्यान रखना है। और टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे वो थे जयनारायण व्यास, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, और अगर बात करें निर्वाचित की तो टीकाराम पालीवाल, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वसुंधरा राजे। और सबसे ज्यादा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है? मोहनलाल सुखाड़िया का, लगभग 17 वर्ष। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन आपके सामने है, शेखावाटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, होली पर, दीपावली पर, गणगौर पर, तीज पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।